क्या हुआ? रनी, कल बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। मेरे को तो टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। मैं क्या करूं? सो जा। हे भगवान जी, तुम ही मेरे सहारा हो। हे भगवान, मैं आपको 101 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगी। हे भगवान, मेरे बच्चों को पास करा देना इस बारी। प्लीज, थोड़े अच्छे नंबरों से पास करा देना। प्लीज प्लीज प्लीज, माना कि मेरे बच्चे थोड़े से शैतान हैं, थोड़े से पढ़ाई में कमजोर हैं, थोड़े से पढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल ही मेरी बात नहीं मानते, बिल्कुल ही निकम्मे। अगर मैं क्या करूं भगवान जी, प्लीज 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 इस बारी उनको पास करा देना। अरे तुम अपने बच्चों की तारीफ कर रहे हो या उनकी कमियां गिना रही हो? मैं भगवान से बात कर रही हूँ ना, क्यों टोक रही हो मुझे बीच में? ये भगवान जी, प्लीज भगवान जी, आप तो मेरी बात समझ सकते हो, ये नहीं समझ सकते, इनको नहीं पता क्या होता है। भगवान जी, आप प्लीज मुझे, प्लीज प्लीज मेरे बच्चों को पास करा दो। मैं ना दिन में अच्छा 2 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम देखूंगी। प्लीज प्लीज, 2 घंटे? ये 8 घंटे इंस्टाग्राम देखती है, ये तुम्हारी कभी भी अच्छे नंबर आएंगे ही नहीं। तुम ऐसी शर्तें रख रहे हो जो पूरी नहीं हो सकती। अच्छा चलो, सिर्फ 1.5 घंटा देख लूंगी इंस्टाग्राम। इनको छोड़ो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं देखूंगी, पक्का, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। भगवान जी प्लीज, मेरे बच्चों को पास करा देना प्लीज। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है रमी, इनका रिजल्ट आता ही होगा। ये भगवान, क्या रिजल्ट आएगा? प्लीज भगवान जी, डील याद है ना? प्लीज प्लीज, स्टिक टू द डील, हाँ स्टिक टू द डील। आज नाने का रिजल्ट आने वाला है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि उसके 98 से ऊपर ही आएंगे हर सब्जेक्ट में। काउंटिंग शुरू करा रॉबर्ट। मुझे पता है। हाँ हाँ, आई एम सो एक्साइटेड। मामा, मेरे रिजल्ट आ गए हैं। वाओ बेटा, हिंदी 96, इंग्लिश 95, मैथ्स 98, हिस्ट्री 98. अनान्या? जी मामा? अनान्या, ये कैसे परफॉर्म किया? 5 पुश्तों से हमारे घर में 100 on 100 आते हैं सबके मैथ्स में, तुमने 2 नंबर कहाँ कटा दिए? ये आजकल का फैशन है, शायद तुम नहीं जानते। 98 बहुत अच्छा होता है। अनान्या, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी अब, डबल मेहनत। आप 20 घंटे पढ़ते हो, 22 पढ़ो, मगर यहाँ 100 होने चाहिए। आपने कैसे परफॉर्म किया है? मैंने इतना अच्छा सोचा था, क्या कर दिया? ओह माय गॉड, मैं कैसे घर से बाहर निकलूंगी? हीरो होंडा वाला हीरो चलेगा? सब मुझे बोलेंगे ये रिजल्ट आया है तुम्हारा। देखो ना, हमारा कितना कम रिजल्ट आया, अब क्या करेंगे? बेटा, मार्क्स तो सिर्फ एक नंबर होते हैं, इन नंबरों से फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट बोला रे। ये मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा हो। ठीक है, तुम्हें पता है, बड़े बड़े लोग अपने स्कूल में फेल हुए थे। तुम्हारे कम मार्क्स आए या ज्यादा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब जाओ बच्चा, जाके खेलो, जाओ जाओ जाओ। पापा पापा, ये देखो मेरा रिजल्ट आ गया, मेरे 96% मार्क्स आए हैं। अरे ला दिखाओ। अरे वाह मेरी शेरनी, इतनी खुशी मुझे आज तक
मुझे पहले ही पता था तू क्लास में सबको पीछे छोड़ देगी, तू क्लास में फर्स्ट आएगी, फर्स्ट क्लास नंबर लेके आएगी। आज मैं बता नहीं सकता, मेरे बरसों की इच्छा पूरी हो गई, मेरी शनाया क्लास में फर्स्ट आई है। मैं क्या करूं कंट्रोल मैं मिठाई बांटूंगा, मैं पटाखे जलाऊंगा, मैं बहुत बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। पुनीत 100 डब्बे मिठाई के मंगवाओ, मुझे पूरे ऑफिस में बांटने हैं। मैं सबको मिठाई खिलाऊंगा। मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ, मैं सबको बताऊंगा मेरी शनाया का रिजल्ट। सबसे पहले मंजीत को फोन करता हूँ। हेलो मंजीत, शनाया क्लास में फर्स्ट आई है, उसके 96% मार्क्स आए हैं। थैंक यू। हेलो राघव, हेलो शांति, हेलो। लगता ही है पागल हो गया। मम्मा पापा, मेरा रिजल्ट आ गया, मेरे पास 62% ही आए हैं। एक सेकंड, आपने ध्यान से सुन तो लिया ना, बहुत कम मार्क्स आए, 62%। अरे क्या फर्क पड़ता है। वाह मेरी बेटी, वाह, अनन्या पास हो गई। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मेरा मन कर रहा है मैं उठ के ना ऐसे डांस करूँ। रुको जरा, सबर करो। अरे तुम डांस करो, मैं ऐसा करता हूँ पड़ोसियों को मिठाई देकर आता हूँ। जाओ। अनन्या पास हो गई। मैं ना भगवान जी को ना प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। हाय मेरी बेटी पास हो गई, भगवान जी मैं आ रही हूँ, भगवान जी। तो ये हो क्या रहा है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मुझे लगा मेरे 62% बस। और मम्मा मैं प्रसाद चढ़ा के आऊंगी, पापा मिठाई बांटूंगा, पता ही हो क्या रहा है। आज ना सियान का रिजल्ट आने वाला है। अरे तो अच्छी बात है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा बेटा है मेरे पे गया है, पूरे 90% आएंगे उसके। मेरा बेटा है मेरे पे गया है, क्लास में टॉप करेगा, देख लेना। मम्मा मेरे 80% आए। करवाली बेइज्जती। लो तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारे पे ही गया है, 80% आए हैं इसके। मैंने तो पहले ही कहा था कोई इसकी ट्यूशन व्यूशन लगवा दो, ताकि कम से कम हमारी नाक तो ना कटाइए, तुम्हारी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब है मेरी गलती है, मैंने मना किया था, आप उस टाइम क्या कर रहे थे? तुम्हारी ही गलती है, मैं बच्चों के मामले में कभी दखल नहीं देता, वो क्या ट्यूशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, सारी गलती तुम्हारी है। तुम तो बड़ा पहले ज्ञान बांट रही थी कि ये मेरा बेटा है, इसके टॉप करेगा, लो देख लो। रुको जरा, सबर करो। मेरा बेटा है, मेरे पे क्या है, 90% लाएगा, ले लो 90%, ज्यादा चला गया है पापा पे। अरे तो तुम माँ हो, बच्चों का ध्यान तुमने रखना है, मैंने थोड़ी रखना है, हर चीज के अंदर तुम मेरे पे ब्लेम करती हो। तो आप भी तो हर चीज का ब्लेम मेरे पे डाल रहे हो, मेरे पे ब्लेम कर रहे हो तुम। आप मेरे पे ब्लेम कर रहे हो, तुम मेरे पे ब्लेम कर रहे हो, आप मेरे पे ब्लेम, तुम मेरे पे ब्लेम कर रहे हो, आप कर रहे हो मेरे पे ब्लेम। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। लिविंग ऑन कार्बेट फॉर 24 आवर्स चैलेंज हो चुका है लाइव हमारे चैनल रमनीत सिंह 1313 पे। गाइस छोटी सी कार, हम इतने सारे, हम एडजस्ट हो गए थे, बहुत मजा आया। कार नहीं कार बेड। ओके के लिए, क्लिक 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 क्लिक